भाई मेरे तो बोले ना कहे थे तेरे तो स्वर्ग की पर्ची कट रही है आज यो। स्वर्ग की तरफ जाओगे? स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और पहुंचने वाले हम। हाथ पकड़ ले मेरा, तने गले ले चलूंगा भाई। कोई बात है ना, देखनी मना बर्फ आ जा। बर्फ चाहिए मुझे बर्फ। याद तो भी ना दिख रही बर्फ आ जा भाई, बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। जोरी बर्फ ही ना पड़ रही है, जोरी ले। और भाई इसका नाम चेंज कर दिया, अब पहला लिखा जाता था भारत का आखिरी गांव, अब भाई प्रथम कर दिया है। सोच विचार तगड़ा करा होगा क्या, आखिरी क्यों बोल रहा है भाई, पहला करेंगे हम। आए थे ना जब यहाँ लास्ट विलेज लिखा था, फिर हमने मोदी से बात करी, फिर बोला ठीक है हम कर देते हैं इसको फर्स्ट विलेज। ठीक है, ये अगली बार बात करके बोर्ड का रंग चेंज करवा दियो, मुझे पसंद ना आया। चाइना का रास्ता इधर है, ये पीछे था, यहाँ से मिलिट्री वाले जा सके तो लगा दे एक बार, तो गोली मार दे वो सीधा। पहुंच गए भाई माना गांव में और हमने कर लिया एंट्री। बारिश हो रही है बढ़िया, बढ़िया ठंड होगी भाई। मम्मी ढंग से खोल लो छतरी, पहाड़ देखो भाई वाइट होने शुरू हो गए हैं और बर्फ जमने शुरू हो गए इन पे। और ये पांच पांडव की पेंटिंग। और भाई गली कुछ ज्यादा भीड़ी ना इसकी, इन गलिया में तो ना आए वे तो पहाड़ी रास्ते पे गए होंगे। पांडव यहाँ तक ही करेंगे जाके। हाँ हाँ ये तो बाद में बना उड़ा गांव, बस है ना गांव वाले गली बना रखे हो, जबकि थोड़ी है वो। देखे एक मंदिर ऐसा बना रखे हो, जय श्री घंटाकरण महावीर। दो रास्ते फट गए हैं यहाँ, एक लेफ्ट एक राइट। इधर वाले में जा रहा है भाई भीमपुल, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग, और यहाँ पर गणेश गुफा, व्यास गुफा। तो हम चले भाई गुफा देखने, और बढ़िया चढ़ाई हैगी। ओहो, और यहाँ भाई गणेश जी की पेंटिंग, जय श्री गणेश। यहाँ भाई व्यास जी गुफा और नीचे गणेश जी गुफा, बाकी का ज्ञान सुन नहीं देगा। बताइयो गाड़ी में बताइयो भाई, अभी फिलहाल अपना नीचे का रास्ता देखो भाई। अब जा रहे हैं भीमशिला देखन, जब पांडव नदी पार कर रहे थे सरस्वती नदी, तब उसके बाद भाई उन्होंने बोला था रास्ता दो रास्ता दो। व्यास नदी बोली मैं ना देती। तब उसके बाद भाई भीम ने अपने पत्थर उठा, भीम बोला भाई मैं बताऊंगा तन्ने, रुक जा। भीम ने भाई पत्थर उठाया और नदी के ऊपर धर दिया, पुल बना दिया वहीं से। तो आज बस वही देखने जा रहे हैं भीमशिला। और भीमशिला भीमशिला किधर किधर किधर, अरे नो इधर। ये है भाई सरस्वती नदी और ये है भीमशिला। पहले तो पूरा पत्थर रखा रहता था, अब तो खैर मॉडिफाई कर दिया सारा। और सन्नी बता रहा भाई पहले हम आए थे, पहले मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं था, सब चेंज कर दिया यहाँ पे। और ये रास्ता बना दिया भाई, जो पांडव चल के गए थे स्वर्ग की ओर, वो इधर की तरफ से रास्ता बना दिया पूरा। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है भीम पुल के लिए लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रोक के तब देख लेना, पढ़ लेना इसको। और ये है भाई भीम पुल, ये उठा कर रखा था भीम ने पत्थर, तब वहाँ से रास्ता बना था यहाँ स्वर्ग की तरफ जाने के लिए। और ये सरस्वती नदी नीचे से, और ये रास्ता जा रहा भाई स्वर्ग की ओर, जो कि लिखा गया है यहाँ। बाकी मम्मी और माँ बैठ जाएंगी यहाँ पे दुकान पे ही, चाय वगैरह पी लेंगी। हाँ सन्नी और मैं जा रहे स्वर्ग की ओर, फैसिलिटी बढ़ा दिया बोले, बर्फ़ गिरनी स्टार्ट होगी दोबारा, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया भाई, ये देख लो बर्फ़ गिरनी स्टार्ट होगी, दिखना रही हाथ पे आगे स्नोफॉल होगी दोबारा। माँ टक्कर के वापस आओगे, स्वर्ग की तरफ जा रहे हम जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। और भाई हम चल दिए स्वर्ग की ओर, ये नया बना दिया भाई सारा, पहले ना थे सब। और ये देखो जरा नज़ारे यहाँ के, मम्मी और माँ बैठेंगे पीछे क्योंकि भाई थोड़ी चढ़ाई आएगी, तो इन तो चढ़े नहीं जाएगा। बाकी सनी मीटर खींच के ले, चल चल चल
चल स्वर्ग का रास्ता दिखा ला हूँ तने। आना हमने यही है, स्वर्ग में ही आऊंगा मैं पक्का। बहुत पाप करे हमने भाई, मेरे तो बोले ना कहे थे तेरे तो स्वर्ग की पर्ची कट रही है आज। यो स्वर्ग की तब जाओगे अभी ना हो सकती। सुन रहे भाई, इतनी मांस मच्छी खा के कहाँ स्वर्ग जाओगे तुम? सोचूंगे खा के बिल्ली हथ को चली वो है हम कोई ना ले भाई स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं और पहुंचने वाले हम। हाथ पकड़ ले मेरा, तने क्या ले ले चलूंगा। ओ बर्फ भी पड़ गई भाई, कैमरा गंदा हो गया। उतरने में दिक्कत ना। हमने लग रहा गलत आ गए स्वर्ग के रास्ते पे। होम बोले स्वर्ग दिख रहा है। बढ़िया सुनो फूल होगी भाई, तो नीचे आ जाना इसके साथ साथ में। होम बोले। और भाई कह रहे हैं इस तरह और आके 5 किलोमीटर और है वो रास्ता जा रहा आके तक। तो अभी मौसम तो खराब है और रात भी होने वाली है, पागल वाली बात हो जाएगी जो इतनी दूर जाऊंगे। मैं ना जा रहा भाई। हैं चल यार, मम्मी अरविंद इंतजार कर रही। चल हैं आ जा आ जा भाई, कोई बात है ना, देखनी मना बर्फ आ जा, याद तो भी ना दिख रही बर्फ। आ जा यार। चल भाई बेवकूफी वाली बात हो जाएगी, जोरी बर्फ ही ना पड़ रही है जोरी ले के चाहिए और बर्फ पड़ी है यार योरी। अब जा रहे हैं भाई हम वापसी में, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा होता जा रहा है और टाइमिंग भी हमारी गलती आएगी थोड़ी। अगर दिन में आ रहे होते तो हम आके जाते, और इसी रास्ते भाई आके चल के वही वाला झरना है, आपने यूट्यूब पे वीडियो में या इंस्टाग्राम की वीडियो में देखा होगा, वो पापियों वाला झरना देखा है आपने? कि भाई जो पापी होता है उसके ऊपर झरना ना गिरता, वो पानी की बूंद भी ना गिरती, जिसकी आत्मा साफ हो, जो स्वर्ग में जाने लायक हो, उसके ऊपर पानी की बूंद भी गिरेगी और झरना भी गिर सकता है। पता है ना, कुछ भी बना दे भाई, अब क्या करे, मिथ बना रखे है। बाकी अंधेरा होगा ना, हम आज जरूर चेक करते हैं मैं पापी हूँ और क्यों, और यो गलत साबित हो जाता ना फिर बताता मैं। क्योंकि भाई देखो नॉन वेज वगैरह मैं खाता हूँ, क्यों झूठ बोलूं? तो वो पाप थोड़ी है करा कोई भाई, पाप ही है ये तो। पाप है लेकिन अब आज के जमाने में कलयुग में तो भाई तक गंदे गंदे पाप है, उसमें तो बहुत साफ है हम नरक में जाऊंगे। फिर तो ज्यादा क्लीन चिट है। हां मैं तो खाऊंगा, टेंशन लू था। और बाकी अपने चल रहे भाई नीचे की तरफ, मम्मी यार नीचे ही आएंगी। 6 बज रहे भाई और अंधेरा देख लो यहाँ, बिल्कुल अंधेरा पैक है। देखो मंदिर की लाइट जल रही थी, सब बंद कर दी यहाँ पे। और अभी हम एक दुकान में बैठे थे, वो दुकान खुल रही, अब वो दुकान ही बंद हो जाएगी भाई। फोन की टॉर्च जला जला के जा रहे हैं वापस अपना गाड़ी की, और देखते हैं क्या प्लान बनता है, घर जाने का प्लान बनता है या फिर अपने यहीं पे अपने स्टे लेंगे। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, हम तो वैसे ही कर लेंगे, उसे में राजी है। चलो भाई चलो सवारी। तो जी चल दिए माना गांव से, और यही है भारत का आखिरी गांव। इस तक भाई गाड़ी ना जावे, इस अब माना गांव जाएंगे इतना लास्ट में, जहाँ तक चढ़ाई स्टार्ट करी थी उस तक गाड़ी नहीं जाती बिल्कुल भी। तो पहला जो इसका नाम था, पहले तो रख रखा था भारत का आखिरी गांव, और अब रख दिया प्रथम। ठीक है एक क्या बात है, कान ने यहाँ तक पकड़ लो, वहाँ तक पकड़ लो, एक क्या चीज जाएगी। बाकी हम चल दिए भाई, 6:30 का टाइम हो रहा है। चाइना लिख लो है, चाइना लिख लो, चाइना चाइनी टॉक टू चाइना जान दे भाई। 6:30 का टाइम हो रहा है, और थोड़ा आपस में विचार करा भाई, और मार की डिमांड है, हमारी डिमांड नहीं है पहले बता दूं। हमारी डिमांड तो रुकने की है, मार की डिमांड है, रुकने की मार की डिमांड है, घर चलने की, रुकने की भाई, रुकने की ना भाई, चलने की है, और भी घूमेंगे हम तो। कुछ ना घूमना अपने घर, हो दिवाली है, दिवाली ना मनानी के बस, दिवाली जरूरी है। अरे पटाखे हमने फोड़ने हैं, कट्टे भर भर ला रखे। तो भाई सोच विचार करके अपने घर का रास्ता पकड़ा है, सीधा घर ही चलते हैं। बीच में रुक के भाई डिनर वगैरह कर लेंगे, उसके बाद सीधा नॉन स्टॉप अपने घर। जय शंकर की। कर दिया अपने एड्रेस नेविगेशन में, लाडो सराय का। 12 घंटे दिखा रहे हैं, और सुबह 7:21 पे
घर की चाय पिलाएगा ये। ना जाने वाले मतलब आपका कहना था हम यहीं रुकेंगे। अच्छा। लेकिन कोई तुक ना बनता भाई, यहाँ रुकने का और कुछ है भी ना देखने लायक, तो अपना चलो। अब बाहर से कोने पे लगवा दी और क्या चाहिए समझे, सीमा खत्म होगी, इससे आगे नहीं जा सकते हम, लास्ट है। शेर तो मेरे बक्कल तारेगा जाती। हाँ भाई करवा ला मम्मी के दर्शन, इस तरह करवाए करें वही ले जाएगा, बढ़िया है। एक दाम तो पूरा हो गया ना, ये देखो ना भाई, ये देख लो भाई मेरी मार ने, तबीयत खराब हो रही है, चाटा चढ़ रहा है, और आइसक्रीम खानी है। लो आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ, ये लो ऑरेंज वाली ना, चॉकलेट भी खाओ अपनी है, ऑरेंज वाली ना, ऑरेंज वाले ना मिली ना मैंगो डिमांड मिली। देख चॉकलेट और बटर स्कॉच, बीमारी में भी डिमांड रख रही है, देख लो वो डिमांड है, खा लो इन्हें, जाट ने जाटा तारेगा। और बारिश ना रुक रही, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, बढ़िया ठंड हो रही है। और मेरे जो जूते भाई ले गए हैं भीगा के, मेरा भी जाटा चढ़ गया यार। जो भाई आके टेंट लग रहे हैं, टेम्पो मारा जी टेंट पाड़ दिया सारा, ये मार्केट आई है बीच में यहाँ भाई, अपना घर रह गया 495 किलोमीटर दूर, 11 घंटे का रास्ता दिखा रहे हैं। हटा लो भाई तंबू आने यार, हो गया धनतेरस खत्म हो गया, चलो ये धनतेरस के चक्कर दिवाली के चक्कर में बांध रखे हुए ना टेंट वगैरह। ये टाइम हो गया 1 बजे का, और यहाँ से ऋषिकेश रह गया भाई आधे घंटे का रास्ता, और गाड़ी का बना रखा रॉकेट, खींच खींच हो रहे हैं। सन्नी के गाने नहीं मान रहे, सन्नी के गाने सुनो, तो जी टाइम हो रहा है 1:40 का, और हम आ गए भाई अब डिनर करने। कुछ ज्यादा जल्दी ना आ गए खाना खाने। तो भाई बीच में भूख लग गई है तो अब रुक गया, 1:40 का टाइम हो रहा है अपना डिनर का टाइम। कीच के मीटर ने भाई बाल काटे हैं, थोड़े बहुत बम और ले लिए हैं अपने यहाँ ऋषिकेश में, बम मिल रहे हैं देख लो, अपने वहाँ गुड़गांव में तो लाने पड़ रहे हैं यहाँ, रास्ते मिल रहे हैं बढ़िया, और सारे बम दर रखे हैं। बाकी ये ले लिए, यही समझ में आए बाल का के दिया, तो इन्हें फोड़ लेंगे। देख लो रात ने यार 2 बज रहे हैं 2 बजे बम बिक रहे हैं यार रास्ते में, कमाल है यार। और इसके पीछे तो बड़ी बड़ी दुकान लग रही थी पूरे खुले में भाई। हरिद्वार पार हो गया है और तुम देखो कितनी तगड़ी पड़ रही है यहाँ पे, हमला पूरा पैक है धुंध है। टाइम हो गया है 3:30 का, अब रुकेंगे यहाँ पे और थोड़ा चाय पानी लेंगे, उसके बाद फिर अपने घर। तो भाई अब रुक गया चाय पीने के लिए, और धुंध हो रही है पीछे 1 नंबर की, जबरदस्त मजा आ गया भाई। और बस और 2 घंटे बाद भाई अपने घर हम, गाड़ी की हालत देखो कैसी हो रही है, जल्द दाग घूम है। बारिश वगैरह हो रही थी ना बीच में, उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा गंदी हो गई। देख और भाई सुबह के बज रहे हैं 4, और मेरी चल रही है बम की टेस्टिंग यहाँ पे बढ़िया वाली, सही स्वाद आ रहा है ये तो। अब देखा मन के पानी में ही फूटने लग रहे हैं बम, इस पानी में डाल रहा हूँ उसमें बम फूटने लग रहे हैं, 1 नंबर का मजा। ये देखो 3-3 एक साथ। और चल रहे भाई अपनी चाय, और वहाँ चल रही है उत्तर कुमार की फिल्म। आसमान तक छू लिया बावड़ी, बस राम राम बोल कर भाई सारे ने, गेड़े मारू देख बड़ी बड़ी कार में, भूल के नहीं बैठा अपनी हार ने। यो गाना है भाई अपने भाई जैक्स का और अंकित बैनपुरिया का, भाई दबा के शेयर करो गाने ने, दबा के लाइक करो और बढ़िया बढ़िया कमेंट करो। अभी 1 ही दिन हुआ गाने ने और 1 मिलियन क्रॉस हो गया भाई गाने का, बहुत बढ़िया चल रहा है गाना, तो लगाओ थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी करो भाई, बहुत बढ़िया गाना है। जैसे नहीं लगता भाई दिल्ली में एंट्री कर ली है, और यहाँ तो वहाँ पीछे था भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है क्या, बहुत ज़्यादा धुंध है भाई, ये मोबाइल की लाइट में दिख रही है, वैसे देखोगे तो नहीं दिखेगी बिल्कुल भी।